गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास हमने ढेर सारे टाइप के मास देखा था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन के लिए 14 लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है ये? रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि यहाँ कोई यूनिट नहीं थी। अगर मैं यहाँ 14 ग्राम लिखूँ तो यस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है? दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम्स। यानी कि जब हम एक मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास निकालेंगे तो क्या आएगा? 14 ग्राम। एक मोल का मतलब कितना हुआ? 6.022 × 10³। जब हमारे पास इतना पार्टिकल्स होंगे, यानी कि इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो उन सब का मास मिलाने पे कितना आएगा? 14 ग्राम के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 14 यू लिखूँ तो या 14 एम यू लिखूँ तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। दिस इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। दिस इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ये क्या है? एक ऑक्सीजन एटम का मास है। बात मेरी समझ में आ रही है? हम क्या कह रहे हैं? हाँ, 14 रिलेटिव एटॉमिक मास, 14 ग्राम। ध्यान रही है, एक सॉरी, ये सब नाइट्रोजन है ना, तो ये क्या है? मास ऑफ वन मोल नाइट्रोजन एटम। यानी कि जब मेरे पास इतने मोल, एक मोल यानी कि इतने नाइट्रोजन एटम्स होंगे, 6.022 × 10³ नाइट्रोजन एटम्स को मैं इकट्ठा करूंगा, तो उन सब का मास मिलाने के बाद कितना होगा? 14 ग्राम के इक्वल होगा। अगर 14 यू या एम यू लिखा हुआ है तो एटॉमिक मास, यानी कि वो एक एटम का मास है। सिंपल है? कोई डाउट नहीं है? तो चलिए और छोटी छोटी चाहिए। 1U या 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है? 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, 1 मोल की वैल्यू कितनी आती है? यानी कि 1 मोल का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है, हमेशा 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर होता है, जो कि कितना होता है? 6.022 × 10³। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। अब देखिए, जब भी आप 1 AMU और 1 मोल को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। जब भी आप 1 AMU और 1 मोल को मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी वैल्यू 1 ग्राम की इक्वल आती है हमेशा। किसके इक्वल आती है? 1 ग्राम के। चलिए, ये हो गया। और आपने क्या सीखा था? ठीक है, एक दो और छोटी छोटी बातें। हाँ, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा था, वो भी किससे? मास की हेल्प से। सो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन मोलर मास। जनरली मोलर मास हम किस में निकालते हैं? ग्राम में। क्लियर है? तो गिवन मास भी हम किस में लिखते हैं? ग्राम में। ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हम क्या निकाल रहे होंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें गिवन मास किस में रखना होगा? ग्राम में। और मोलर मास भी किस में रखना होगा? ग्राम में। अगर हमसे कोई ये कह दे सर, अगर हमें वैल्यू ग्राम में नहीं दिया है तो क्या करें? क्या हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास दिया है U में वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। द एग्जाम्पल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, क्या ले लें? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ले लेते हैं, 700 U। हमें बताना है कि 700 U में कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये U में दिया है, तब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
अब पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स का मतलब एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि हमसे यहाँ क्या पूछा है, ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो आप चाहे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू लिखेंगे। ध्यान रहे यहाँ जो हम मोल्स लिखते हैं आप यहाँ पर मोल्स यूज नहीं करेंगे। मोल्स तभी यूज होगा जब हमारा मास किस में दिया हो, ग्राम में, क्योंकि यहाँ मास हमको किस में दिया था, यू में। तो हम डायरेक्ट इसको वैल्यू को यूज करेंगे और देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में यहाँ पे हमें पता है क्या है, एटम। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास। फॉर्मूला वही रहेगा, बस यूनिट का खेल है। यहाँ पर मोल नहीं है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। किस में दिया था, 700 यू, तो आप उसको लिख लेंगे 700 अपॉन। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोलर मास, नहीं मोलर मास तो किस में आता है, मोलर मास एग्जिस्ट इन ग्राम, तो हम मोलर मास लिखेंगे ही नहीं क्योंकि हम मोल्स थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम मोल्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यू की वैल्यू यू में ही रखेंगे। तो ये 700 यू। और बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 यू होता है, 14 यू, तो हम यहाँ पर सिर्फ 14 यू लिखेंगे, 14 ग्राम नहीं। बस क्या करना है, इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए क्या आ गया, 50। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन, या फिर दिस इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। क्लियर है? जब अगर हमें वैल्यू ग्राम में दिया है या किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया तो ग्राम में बना लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जब आप नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ग्राम में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर ग्राम में होगी तो वो क्या देगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स देगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमसे कह दिया जाए कि मास ऑफ वन एटम इज लेट्स से 2×10⁻²⁺ ग्राम, ठीक है, मान लीजिए हमें यह दिया हुआ, क्या दिया है, मास ऑफ वन एटम इज गिवेन दिस मच, तो क्या ये मोलर मास है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ग्राम मत देखिए, ये यहां पे साफ साफ इसने लिख दिया है, दिस इज द मास ऑफ वन एटम। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोल एटम्स, यानी कि मोलर मास क्या होगा, जब हमारे पास इतने एटम्स के मास होगा, यानी जब इतने एटम्स को हम कलेक्ट करके सबका मास निकालेंगे वो हमें क्या देगा, मोलर मास। ये तो एक एटम का मास दिया है इसलिए ये मोलर मास नहीं है, तो मोलर मास निकाल लीजिए। देखिए मोलर मास कैसे निकलेगा, अभी तो बताएं मोलर मास क्या होता है, इतने एटम्स का मास। अगर आपको एक एटम का मास पता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक इस स्टाइलस का मास लेट से 10 ग्राम है, तो चार स्टाइलस का मास कितना होगा, 40 ग्राम। कैसे निकाला आपने, मल्टीप्लाई करके। तो आपको एक का पता है और इतने का निकालना है, तो क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 6.022×10⁰³ × 10⁻²⁰ इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12.044 × ये देखिए −22 और +23। पावर हमने सॉल्व करना सीखा था, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, पावर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो देखिए 23 प्लस माइनस 22, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1। अच्छा 10⁻¹ का मतलब कि आपने देखा पावर 1 लिखा हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका मतलब कुछ है नहीं, छिपा देंगे हम उसको, सिर्फ क्या लिख देंगे 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी 120.44 ग्राम। बात समझ में आई, दिस इज द मोलर मास। हम जो समझाना चाहते हैं आपको ये है कि आपके 99% केस में जो ग्राम में दिया है वो मोलर मास ही होगा,
लेकिन अगर आपको साफ साफ लिख कर दे दे कि मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो आप उसको एक मोल मास यानी कि मोलर मास नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए, तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम वापस से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके कर भी सकते हैं। देखिए क्या दिया है, इफ द मास ऑफ एन एटम, ध्यान से देखिए क्या दिया है, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास, कोई एक एलिमेंट है उसका एक एटम का मास इतना दिया है ग्राम में, तो बताइए क्या ये मोलर मास है? नहीं है। अब यही हम समझा रहे थे, क्या दिया है, मास ऑफ वन एटम इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो मोलर मास निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल, और वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल्स होते हैं। इतने पार्टिकल्स का मास यानी मल्टीप्लाइड बाई एक पार्टिकल का मास, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, समझ में आ रही है। ये देखिए -23 + 23 सॉल्व करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएंगे। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 16 × 32 = 32, 50, 3 और 96, ये वैल्यू आ जाएगी 96.352। ये क्या है इसका? ये है इसका मोलर मास। ये है वो क्या है? एटॉमिक मास। एक्चुअली एटॉमिक मास यू में ही रहता है, लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करके दे दे तो आप ज़बरदस्ती उसको मोलर मास नहीं बनाएंगे। अगर स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि दिस इज द मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल, तो आप ज़बरदस्ती करके उसको मोलर मास नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो बस देखिए और क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.92704 किलोग्राम। हमें गिवन मास दिया है 1.92704 किलोग्राम। तो बताइए हम किलोग्राम को पहले क्या बनाते हैं? ग्राम बनाते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1927.04 ग्राम। हमसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है? 1927.04। अगले पेज पर लिख लेते हैं, एन इज इक्वल टू 1927.04 अपॉन मोलर मास। अब देखिए मोलर मास कौन है, ये वाला या ये वाला? ये वाला है ना। हाँ, कितना है? 96.352 ग्राम। इट विल बी 96.352। तो बस क्या वैल्यू को रख लीजिए, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ दो पार्ट है इसलिए 00, यहाँ 3 पार्ट था इसलिए ऊपर 30। बस पहले ये 20 से 20 कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 × 4 = 5, 10, 7। हाँ, ये पूरा 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। 2 ऊपर क्या बचा? 10, तो 2 × 10 = 20 आ गया आंसर। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कितने मोल्स होंगे? 20 मोल्स। बात समझ में आ गई? गलती क्या होती है ये देखिए, अब हम जो आपको सिखाना चाहते हैं वो बस ये है कि क्योंकि हम बार बार कहेंगे कि मोलर मास ग्राम में है, ग्राम में है, ग्राम में है, हम क्या सारे टीचर्स कहते हैं, तो बच्चों के मन में कंसेप्ट आ जाता है कि नहीं, जब भी ग्राम दिया है वो मोलर मास ही है। हर बार ये सही होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्यों? क्योंकि इस बार इसने साफ साफ लिख दिया था दिस इज द मास ऑफ वन एटम। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, इस बात को जरूर चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा मास ऑफ वन एटम। अगर ऐसा लिखा है तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू लिख के गलती नहीं करेंगे। समझ में आ गई? चलिए, इसका पूरा सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है,
आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट होमवर्क है आपका, इफ द मास ऑफ एन एटम, देखिए फिर से क्या दिया है, एन एटम, हाँ एक एटम का मास दिया है 10^-22 ग्राम, और आपसे पूछ रहा है इतने किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हैं, चले कर लीजिएगा। आंसर आपका नीचे 50 मोल्स दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स आप जान लीजिए। कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि कुछ बुक्स में साफ साफ लिखा रहता है, कुछ बुक्स में अलग अलग टर्म्स लिखे रहते हैं, या फिर कई बार कंपटीशन में भी, कुछ कंपटीशन में तो आपको सारे डिटेल्स साफ साफ दिए रहते हैं, कुछ कंपटीशन में डिटेल्स उतने ही दिए हैं लेकिन देने का तरीका क्या होता है, बदल दिया जाता है। यानी वो अलग अलग टर्म का यूज करके आपको चीज़ों को बताना चाहते हैं, वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपको टर्म का सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस पता है या नहीं। अब जैसे देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि ग्राम एटॉमिक मास, क्या ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम, तो उसका सिंपल सा क्या मतलब होगा, मोलर मास। वो तो हमें भी पता है ग्राम में किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को। तो कई जगह अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास मिला है तो आपको ये परेशानी ना, सर ये क्या दिया है, दिस इज मोलर मास। ऐसे ही ग्राम मोलिकुलर मास भी मिल सकता है, एटम्स के लिए एटॉमिक मास, मोलिक्यूल्स के लिए मोलिकुलर मास, तो उसका भी मतलब क्या हुआ, मोलर मास। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, फिर से ग्राम आ गया ना, नंबर है ये मास नहीं हो सकता, ग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है लेकिन ये उसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। तो मोलर मास का नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है, मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स, कुछ आइडिया लग रहा है, हाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सेकेंड पार्ट, अपने इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में चलेंगे। एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं, पहला मास से जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, दूसरा पार्टिकल से जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और तीसरा है वॉल्यूम से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि पार्टिकल से कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें ये बताइए, एन ए पार्टिकल्स, एन ए पार्टिकल्स का मतलब, हाँ 6. मेरे साथ आप भी बोला करिए, आपको याद हो जाएगा, 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स का मतलब क्या क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं। अगर मेरे पास इतने एटम्स हैं तो किसके कुल होता है, एक मोल के, और ये नंबर क्या है, एन ए। तो हम क्या कह सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के अगर पार्टिकल्स हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वन मोल के, होता ही है। तो आप हमें बताइए वन पार्टिकल की वैल्यू क्या होगी, बस इसे एन ए को ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n के इक्वल, ठीक है। अब हमसे कहा जाएगा बताइए एक्स पार्टिकल्स का कितना होगा, तो बस क्या करना है, इस वैल्यू में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × x का वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x/na। ये क्या है, पूरा का पूरा प्योर मैथ्स है, परेशान मत होइए, ये भी क्लास 6-7 का मैथ्स है। चलिए तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं भाई, क्या ज़रूरत है, जिसको मैथ्स नहीं आती है वो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू, वहाँ गिवन मास होता था, हियर भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों वहाँ मास होता था, क्योंकि हम वहाँ मास से कैलकुलेट करना सीख रहे थे, यहाँ हम पार्टिकल्स से कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक बात। दूसरी बात, वहाँ पर गिवन मास अपन क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास कितने पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करता है, वन मोल को, क्योंकि यहाँ नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वन मोल लिखेंगे ना। अच्छा वन मोल में कितने पार्टिकल्स, हाँ 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स। अच्छा इस नंबर को हम छोटे से में कैसे लिख सकते हैं, एन ए में लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, पास में आ गई। तो हम बार बार वन मोल या इतना बड़ा नंबर ना लिखे, क्या लिखेंगे, सिर्फ
एन ए, एन ए का मतलब हमें पता है कि इतना ही होता है, तो हर बार इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब एन ए लिखेंगे। तो बात समझ में आ गई, चलिए बात समझ में आ गई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, हम बोल देते हैं आप लिख लीजिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, नहीं फिलहाल आप दूसरा करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन चलिए हम लिख ही देते, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 660 1.8066 × 10⁻²⁵ प्रेजेंट इन पार्टिकल्स। बस हमें ये दिया गया है और हमसे पूछ रहा है बताइए कितने मोल्स होंगे, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि पार्टिकल्स मतलब तो कुछ भी हो सकते हैं, इस पार्टिकल्स में कितने मोल्स होंगे बस ये बताना है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन इज इक्वल टू हाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही है? अरे नहीं भाई, फॉर्मूला सही है, यहाँ वो थोड़ी यूज करेंगे, वो कब यूज करते हैं जब मास दिया रहता है ना, यहाँ क्या दिया हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, यानी कि जो आज अभी हम फॉर्मूला सीखे उसको यूज करेंगे, क्या होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 1.8066 × 10⁻²⁵ अपॉन एन ए, एन ए यानी कि अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻²। बस समझ में आ रही है, चलिए तो पहले क्या करिए आप इसके डेसिमल घटाइए, तो नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई कितना 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 इस डेसिमल घटाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से 1, 2, 3 डिजिट से, देखिए ये 3 0 ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 था ठीक है, तो नीचे एक 10 बचा। अच्छा इस 10 और 10⁻²³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²⁴ हो जाएगा ना। अब देखिए ये 10⁻²⁵ और 24 में कैसा रिलेशन है डिवाइड का, याद है अभी पीछे हमने आई थिंक लेक्चर नंबर सेकेंड में हमने पढ़ा था x²⁺ / x²⁴ की वैल्यू क्या होती है x²⁺ - n, यानी कि पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यहाँ 25 है यहाँ 24 है, ये सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 - 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 10⁻¹। क्या हम 10⁻¹ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, नहीं लिखते ना, तो सिर्फ क्या लिख लीजिए आप 10 लिख लीजिए। ओहो सिर्फ और सिर्फ क्या लिख लीजिए 10, और देखिए क्या कैंसिल होगा 6.6022 18000, ये देखिए 3 times में कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 3 2 6 3 6 18 3 times में, तो क्या बचा और 3 बचा, सो 3 × 10 सॉल्व कर देंगे कितना हो गया 30, ये क्या आया 30 मोल्स कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा होगा। देखिए जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया है कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए उन पार्टिकल्स को एन ए से डिवाइड कर दीजिए, किससे एन ए से, एन ए क्या है हमारा एवोगाड्रोस नंबर, और चलिए एक क्वेश्चन और आप करके दिखाइए, मान लीजिए मेरे पास है 301.1 × 10⁻²⁰ ठीक है, सो अपॉन ठीक है इतने हमारे पास पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए इतना इस पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, वो भी किसके हैं किसी के भी, मान लीजिए किसी के मॉलिक्यूल्स है और हमसे पूछ रहे थे कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो बस वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए फटाफट। देखिए कर लिए होगा आपने, अब हम करते वेरीफाई कर लीजिए, एन इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है 301.1 × 10⁻²⁰ / n a, n a की वैल्यू
6.022 इंटू 10^23। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए ये समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ से इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 डिजिट में 1000। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या बचा? हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 100 बचा। 100 और 10^22 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 100 में ठीक है फिलहाल आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 50। तो ऊपर बचा 50 इंटू, ये देखिए 10^22 और 10^23 में कैसा रिलेशन है, डिवाइड का है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा यानी हो जाएगा 10^-1। देखिए 50 इंटू 10^-1 का मतलब याद है ये वाला टर्म, x^-m का मतलब क्या होता है 1/(x^m) होता है, तो बस हम इसको उड़ा के कहाँ लेके चले गए नीचे, तो ये हो जाएगा 1/10, कैंसिल कर देंगे कितना आ गया 5, यानी कि आंसर आएगा 5 मोल्स। आपको मैथ्स आती है मुझे पता है, आपको ऐसे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट करिए, बस आंसर और फॉर्मूला सेम होगा। हाँ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला भी चेंज कर दे, फॉर्मूला यही रहेगा और आंसर यही रहेगा, बाकी बीच के कैलकुलेशन करने का सबका अपना अपना तरीका है, हम ऐसा तरीका यूज कर रहे हैं जैसे कि बायो के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी दिक्कत ना हो, मैथ्स वालों को तो खैर वैसे भी सब आता है तो बायो वालों को भी आना चाहिए ना, तो इसलिए हम ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस करा रहे हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, देखिए क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नहीं हाँ ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस बार हम पार्टिकल्स आपसे पूछ लेंगे कि निकाल के बताइए, प्रेजेंट इन 300 मोल्स, मान लीजिए आपके पास 300 मोल्स हैं, अब देखिए उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, बहुत सिंपल से हैं, एक तो आप ओरल देख के बता सकते हैं, अगर नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n तो हमें दिया है ना, कितना दिया है 300, पार्टिकल्स को मान लेते हैं हम पी अपॉन एन ए, तो होगी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 इंटू एन ए, अगर और सॉल्व करना है हम तो ऐसे छोड़ देंगे, अगर हमें नंबर एग्जैक्ट लाना है तो क्या करेंगे हम 300 इंटू एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10^23, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं। हाँ अगर देखिए हम करा ही देते हैं, पूरा एग्जैक्ट आंसर बता देते हैं आपको, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18.066 इंटू 10^25, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये डेसिमल यहाँ होना चाहिए, ये हो जाएगा 1.8066। जब भी हम डेसिमल को किधर लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड में, पावर क्या होता है इंक्रीज होता है, तो ये 25 से क्या हो जाएगा 10^26, ये आएगा एग्जैक्ट आंसर। लेकिन हम क्या करेंगे, बार बार ये वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी मैथ सबको आती है कि जरूरत पड़ने पर आप एन ए की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सके, ये तो थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। अब हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जैसे हमने पिछली बार आपको बताया याद करने के लिए एक ऐसा हमने बनाया था ना सर्कल, वैसे ही इस बार भी आप एक सर्कल बना लेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स कैलकुलेट करना है, ध्यान रहे पार्टिकल से मोल्स कैलकुलेट करना है, हम डिवाइड बाई एन ए करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, अगर मोल्स हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो सीधे मल्टीप्लाई बाई एन ए करते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या है, अभी हमने सीखा कि मोल्स से अगर पार्टिकल्स निकालना है तो कुछ मत करिए, बस कुछ क्यों नहीं करेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाई एन ए कर दीजिए। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, 300 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, देखिए आंसर आ गया 300 एन ए। कैसे, अभी तो हमने कहा कि देखिए जब मोल्स को पार्टिकल्स बनाना है
तो बस एन ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, तो 300 में हमने एन ए का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। हाँ एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे आप, बस ये आसान है। अब हम बताइए कि 50 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे। हाँ बता दिए ना 50 एन ए, 2000 मोल्स में 2000 एन ए, 0.2 मोल्स में 0.2 एन ए। ये फायदा है चीजों को शॉर्ट में याद रखने का, ये फायदा है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये तो हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम हीलियम, 16 ग्राम हीलियम। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, एटम्स यानी पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, कैसे कैलकुलेट करते, हाँ मोल्स पता रहेगा तब तो कैलकुलेट करेंगे, मोल्स पार्टिकल्स। तो पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास 16 ग्राम अपॉन मोलर मास, हीलियम होता है ना, हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम, कैंसिल कर दीजिए कितना आ गया 4 क्या आएगा ये मोल्स। ये बात क्लियर है, हमसे पूछा ये नहीं गया है, हमसे पूछा गया है कि बताइए कितने एटम्स होंगे। तो बस अभी तो हमने देखा था मोल्स को पार्टिकल्स में बनाना है अगर, तो मल्टीप्लाई बाई एन ए, यानी कि आंसर क्या हो गया 4 एन ए। देखिए चुटकियों में आंसर आ गया, चेक कर लीजिए 4 एन ए सही है, कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और ओरल ट्राई करिए आप, इस बार आप ओरल ट्राई करिएगा। कौन सा लें, ऐसा लेना होगा ना जो सिंपल सा हो। बताइए 80 ग्राम कैल्शियम में कितने कैल्शियम के एटम्स होंगे, जल्दी हो गया कितना आंसर आया, हाँ 2 Na आया, क्यों, बहुत सिंपल है। पहले हम इसको क्या बनाए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40 ग्राम होता है, तो 40 से डिवाइड किया कितना आ गया 2 क्या है हमें, नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 मोल में कितना पार्टिकल्स 2 Na, समझ में आ रहा है, कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते ही हैं आप, औरों से स्पेशल कैसे बनेंगे जब आप चीज़ों को फास्ट करना सीखेंगे। चलिए हाँ फास्ट तो है ही आप लोग, 16U नेक्स्ट पार्ट है इसी का, 16U हीलियम एटम में बताइए कितने एटम्स होंगे, बताइए फटाफट तो, हाँ कितना 4 Na कर लिया आपने, सही है। अगर आपने लिख दिया 4 Na तो आपका गेम हो जाएगा, कहेंगे सर अभी तो आप बताएं, देखिए 16 आपने क्या किया, हीलियम का तुरंत मोलर मास निकाला कितना आया 4 ग्राम और डिवाइड कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया ये यूनिट क्या है, ग्राम में थोड़ी ही था, हाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये यूनिट किस में होनी चाहिए थी, ग्राम में, ये ग्राम में नहीं है, याद है ना जो दूसरा तरीका बताया था, अगर ग्राम में नहीं तो बहुत सिंपल सा, क्या करिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा था, लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4U, लिए 4U डिवाइड करिए कितना आ गया 4, ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, कितना आ गया 4 एटम्स आ गया, 4 Na नहीं आएगा 4 एटम्स आ गया। अच्छा ये 4 Na कब आता, जब यहां पर हम 16 ग्राम लिखे होते हैं, हाँ ये चीज समझना है, कई बार हम इतने फास्ट हो जाते हैं कि सारे आंसर ही गलत हो जाते हैं, समझ में आ गया मेरी बात। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करिए, तो मोलर मास निकालने तो आपको आता ही है, कौन सा दे, चलिए सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसका मोलर मास आएगा आपका 64 ग्राम, हम बता देते हैं निकालने आपको आना ही चाहिए, और हम आपसे पूछ लेते हैं बताइए कि 1.28 किलोग्राम में बताइए सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या एक मॉलिक्यूल है, तो बताइए 1.28 किलोग्राम में
सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? बस फटाफट वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए। आ गया? नहीं, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ एनए में बता दीजिए आंसर। आ गया? ठीक है, क्योंकि ये किलोग्राम में है तो पहले हम इसको ग्राम में बना देंगे। कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा अपॉन मोलर मास कितना है 64, डिवाइड करेंगे कितना हो गया 20। ये क्या है? मोल्स हैं। तो बस कितना मॉलिक्यूल आ गया? 20 Na, क्योंकि मोल्स को पार्टिकल्स में बनाना है तो बस मोल्स की जगह पर क्या लिखते चलिए आप? Na लिखते चलिए, 20 moles यानी 20 Na। एग्जैक्ट आंसर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम? Na की वैल्यू रखेंगे। Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 × 10²³। सही है, कर सकते हैं। तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किसकी? यूनिट्स की। अगर यूनिट्स ग्राम किलोग्राम में है तो आप मोल्स कैलकुलेट करिए और Na लगा लीजिए। अगर वहाँ पे यू में दे दिया या amu में दे दिया तो बस आप डायरेक्ट वहीं से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आंसर निकाल लेंगे, आपको Na से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और तरीका होता है सर, आपने जो कहा हम कैसे वेरीफाई करेंगे, आपको U की वैल्यू पता है 1.66 × 10²⁻¹⁴ ग्राम, आप उसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा, हमने उतना कर दिया है, आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और तरीका है, जो मैथ्स वाले बच्चे वो देख लें, यह 16U हीलियम में हमें बताना है। आप हमें बताइए कि 4U में कितना हीलियम एटम होता है? एक एटम होता है, एक एटम का मास 4 यूनिट होता है। अब हमें यह बताइए एक यूनिट का मास कितना आएगा? 1/4 एटम के इक्वल आएगा। हमसे कितने के लिए पूछा गया है? 16 के लिए। हम कहेंगे 16U के लिए कितना आएगा? 1/4 × 16 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 4 आ गया ना, 4 एटम्स। तो जो हमने नीचे किया है वो आपको समझाने के लिए है, ये पूरा कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ईच एटम्स प्रेजेंट इन 126 U ऑफ HNO3। बहुत सिंपल सा है, देखिए हमें जो दिया गया वो क्या है? 126 U HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड दिया गया है। यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको देख के आइडिया लग गया होगा हमें क्या करना है। बताइए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे या नहीं? हाँ नहीं करेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो ग्राम या किलोग्राम में दिया ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप बताइए यहाँ पर पार्टिकल्स में क्या दिया हमें? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल दिया है तो लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, क्या हमें इस यू की वैल्यू रख के ग्राम किलोग्राम करने की जरूरत है? नहीं है, बस लिखिए यहाँ पर क्या 126 अपॉन मोलर मास, नहीं इस बार मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3 = 48, टोटल सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16³U। सॉल्व करेंगे ये कितना आ गया 2, क्या 2 मोल्स आया है ये? नहीं, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आ गए आंसर, यानी हमारे पास कितना होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 है। हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन कितना होगा, एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड में, ध्यान सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड में कितना हाइड्रोजन? 1 है, तो 2 मोल्स में, सॉरी नॉट 2 मोल्स, 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन एटम? 1, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6 एटम। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया सारा सॉल्व, इजी था। चलिए आंसर देख लीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स 2 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाँ इस बार आया बड़ा सा क्वेश्चन। अच्छा चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ईच एटम्स प्रेजेंट इन 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सब कुछ वही है, बस ये यूनिट बदल दिया गया। इस बार ग्राम में दिया गया और ये क्या दिया हमें? सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया गया। कोई बात नहीं, डर लग रहा है? नहीं ना। हाँ डरने किस बात का, कर सकते हैं। चलिए मैथ्स वाले बच्चे वीडियो पॉज करिए, फटाफट कंप्लीट करिए। बायो वाले बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी है वो भी ट्राई करें, और जिनको थोड़ी सी दिक्कत है वो कंटिन्यू देखते रहेंगे। आपको कुछ हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कार्टन है, कितना है कार्टन? ऐसे मेरे पास टोटल 5 कार्टन्स हैं। अरे कार्टन्स बॉक्स जानते ना, डब्बा। हाँ अब मान लीजिए एक डब्बे में मेरे पास कितने हैं? टोटल 5 कार्टन्स हैं ऐसे, और एक डब्बे में 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 एक कार्टन में पैकेट है, ये सब पैकेट है। कितने पैकेट हो गए एक कार्टन में? देखिए 1 2 3 4 3 जा 12 पैकेट्स हो गए, समझते चलिएगा। अभी अब हम ये भी कह रहे हैं ये जो एक पैकेट है, इस एक पैकेट में टोटल 10 पेंसिल्स रखे हुए हैं। कितने? 10 पेंसिल्स। और हमसे पूछा जा रहा है, हाँ भाई पूछा जा रहा है क्या, टोटल कितने पेंसिल्स होंगे मेरे पास? टोटल कितने पेंसिल्स होंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या करना, आपको आपको पहले बताना है कि एक में कितने पेंसिल हैं। कितने हैं? 10। ऐसे कितने पैकेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कितने पैकेट्स हैं? 12 पैकेट्स। तो कितने हो गए पेंसिल? 120 पेंसिल्स। ये 120 पेंसिल्स किस में हैं? सिर्फ और सिर्फ एक कार्टन में हैं, यानी कि एक बॉक्स में। मेरे पास ऐसे कितने बॉक्स? 5 बॉक्स। तो टोटल कितने पेंसिल? मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 600 पेंसिल्स। बात समझ में आ गई? यानी हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई एक ऐसा कंटेनर जो बहुत बड़ा है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे कंटेनर हैं, उस छोटे कंटेनर में भी ढेर सारे छोटे छोटे कंटेनर हैं, फिर उस छोटे कंटेनर में ढेर सारे सामान रखे हुए हैं, और हमसे पूछा जाएगा ये टोटल कितने सामान हुए, तो हम सारे नंबर्स को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते चलेंगे। क्लियर है? तो बस ये समझ में आ गया तो अब आपको मैथ्स परेशान नहीं करेगा। देखिए क्या दिया था, 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ नंबर ऑफ मोल्स, क्यों? क्योंकि सर ये ग्राम में दिया है, ग्राम और किलोग्राम में दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? गिवेन मास कितना? 490 अपॉन मोलर मास। निकालिए मोलर मास। हाइड्रोजन 2 एटम यानी कि 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16 चौके 64, टोटल कितना आ जाएगा? 96 2 98 98 ग्राम में आ जाएगा। क्यों ग्राम में? क्योंकि मोलर मास है ना, तो बस अपॉन 98 लिख लीजिए, इसको डिवाइड करिए, देखिए कट जाएगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। 5 × 40, हाँ ये क्या आया? 5 मोल्स। अच्छा 5 मोल्स का क्या मतलब हुआ? हाँ 5 Na, ये 5 Na क्या आया है? H2SO4 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इस पर जो Na से मल्टीप्लाई किया गया है वो कितने से किया गया है? 5 से। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या था? मोल्स था। चलिए ये तो आ गया हमारे पास कितना मॉलिक्यूल्स हैं। हमसे और भी एक चीज पूछी गई है, क्या है वो? फाइंड द नंबर ऑफ ईच एटम्स। तो देखिए हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए हम सबकी बात नहीं करते, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन अभी हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो बताइए कितना हाइड्रोजन एटम है? 2 है ना। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5 Na। तो कितना आएगा नंबर ऑफ एटम्स? यस 2 × 5 Na। अभी तो हमने बताया सब मल्टीप्लाई करते चलेंगे,
तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 10 Na। 10 Na किसकी वैल्यू है? हाइड्रोजन एटम्स की। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ध्यान देख के बता सकते हैं। बताइए टोटल सल्फर के कितने एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में? एक है। टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो 1 × 5 Na, 5 × 5 कितना आ गया सेम 5 Na आ जाएगा। आप बताइए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टोटल बताइए एक ही बार में, हाँ कितना 20 Na। क्यों? क्योंकि देखिए सर एक मॉलिक्यूल में कितना है 4 और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं 5 Na, तो 4 × 5 = 20 Na। ये आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या क्या आया है 10, 5 और 20। देखिए 5 moles यानी 5 Na, हाइड्रोजन 10 Na, सल्फर 5 Na और ऑक्सीजन 20 Na कर सकते हैं। अच्छा हमसे ये पूछ लिया जाता है यहीं पर कि बताइए टोटल कितने एटम्स हैं। ध्यान दीजिएगा पिछली बार तो एक एक एटम्स निकाल रहे थे ना, अब हम पूछ रहे हैं देख कुल कितने एटम्स हैं। तो बस पहले बताइए कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास 5 Na, एक मॉलिक्यूल में कुल कितना एटम है 2, 3 और 4 यानी कि टोटल 7 है ना, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन कितने हो गए 7, तो टोटल कितने हो गए 35 Na हो जाएंगे। नहीं भरोसा है? हाँ क्यों भरोसा करेंगे, देखिए ऐड कर लीजिए 10 हाइड्रोजन 5 सल्फर कितना हो गया 15 और 20 ऑक्सीजन 35 आ गया ना 35 Na। समझ में आ रहा मेरी बात? घबराइए नहीं, हर बार आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, पहले पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए सीख लीजिए एक्चुअली क्या होता है, फिर हम एक और तरीका बताएंगे जिससे ये काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हाँ आप खुश हो गए? हाँ खुश रहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 126 U। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, आप खुद से एक बार ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, कर लिया होगा आपने। देखिए क्या दिया, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 126 U, 126 UHNO3 ठीक है, और इसमें हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकालने हैं। पहले तो हम क्या निकाल लें, क्योंकि U दिया है हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास 126 U अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, हाँ मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, नाइट्रोजन 63 U आएगा, आप करके देख लीजिएगा कितना आएगा 63 U, आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2 मॉलिक्यूल्स। आप बताइए हमें तो ऑक्सीजन के साथ डील करना है ना, सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, बताइए कि 2 मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 6 होंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना है 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना 6 एटम्स। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये मॉलिक्यूल्स में नहीं ये मोल्स में कितना है, यार ये बढ़िया समस्या है। कोई नहीं देखिए अगर ये Na एटम होता तो क्या होता, ये 1 मोल होता ना, अगर ये 1 एटम होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/Na हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो बताइए 6 एटम्स है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6/Na। नहीं समझ में आया? अरे कोई बात नहीं, परेशान थोड़ी होते हैं, एक और तरीका है ना बता रहे हैं, चलिए ये सब इरेज कर दें, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब दिक्कत कहाँ आ रही है सर, ये जो 6 एटम्स है ना इसको मोल्स में कैसे बनाएं? अरे भाई याद है अभी हमने सीखा पार्टिकल्स से मोल्स बनाना, एक तो हमने पढ़ा था मोल से पार्टिकल्स बनाना मल्टीप्लाई बाई Na, जितना मोल उतने मल्टीप्लाई Na कर लीजिए। दूसरा हमने सीखा था पार्टिकल्स को मोल्स में बनाना डिवाइड बाई Na, तो बस हो गया काम। कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास 6,
मोल्स में पूछ रहा है तो डिवाइड बाई एन ए आ गया आंसर 6/NA। वो अलग बात है वैल्यू रख के और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो आपको तरीका सिखाना है, कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आपको पार्टिकल्स दे के मोल्स पूछेगा आप तुरंत एन ए से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको मोल्स दे के पार्टिकल्स पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई एन ए कर दीजिए, हो गया ना काम आसान। हाँ इतना सारा मैथ्स करने से बच गए। देखिए आंसर आ गया 6/NA, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया भयंकर सा क्वेश्चन, डर लग रहा है? अरे नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या दिया है, इन 36 ग्राम ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला तो आपको पता ही है C6H12O6। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम कितना है और ऑक्सीजन एटम कितना है, ये सब बताना है। करें तो चलिए करते हैं। कितना दिया हमें, 36 ग्राम ग्लूकोज दिया है, लिख लेते हैं 36 ग्राम ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। इसका मॉलिकुलर मास 180 U आता है, क्योंकि ये ग्राम में दिया था, हम क्या लिखेंगे मोलर मास, जो कि कितना आएगा 180 ग्राम। अरे आपको याद नहीं करना है, कैलकुलेट करना बताया है ना, आप कैलकुलेट करके रखिए, याद तो आपको जैसे ही आप 11th 12th में आएंगे वो अपने आप हो जाएगा, हमें आपको रट्टा कराने की ज़रूरत नहीं है। तरीका मालूम है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस देखिए। हाँ तो पहला काम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवेन मास 36 ग्राम, मोलर मास 180 ग्राम। देखिए 18 से डिवाइड करिए, ये 10 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.2 क्या मोल्स होगा ना। अब हमें ये बताइए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कितने पार्टिकल्स होंगे, क्या यार आधा तो चलता ही नहीं है ये। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स कितने होंगे, तो बस हमें मोल्स को क्या बनाना है, अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, हाँ मल्टीप्लाई बाई एन ए यानी कि 0.2 NA। ये तो क्या आ गया, ये नंबर आ गया किस ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, आप बताइए कार्बन के एटम्स कितने होंगे, तो बस अब हम ऊपर का एरिया इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। ठीक है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है, फॉर्मूला लिख दे, लीजिए लिख देते हैं C6H12O6। तो कितने कार्बन है, हाँ 6 कार्बन्स है ना, ठीक है। तो बताइए एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इतना क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 1.2, हमारा आंसर आ गया 1.2 NA। दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे ही अब क्या लिख लेंगे हम, हाइड्रोजन एटम्स, बताइए हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 12। कितने में, एक मॉलिक्यूल में, कुल कितना मॉलिक्यूल है, इतना सारा है ना, तो बताइए टोटल कितने एटम्स हो गए, तो इससे 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 2.4 NA आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए भी निकाल लीजिए, कितना 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 NA आ जाएगा। ये हो गया दो पार्ट सॉल्व, एक पार्ट और है बीच वाला, वो क्या है, हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए, कोई बात नहीं बता सकते, दो तरीके हैं, एक तो ये सारा ऐड कर लीजिए या फिर यहाँ से देख लीजिए C6H12O6 कितना है टोटल 24, कितने मॉलिक्यूल्स थे आपके पास 0.2 NA, क्या करें इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हो जाएगा 4.8 NA, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इतना आएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें ये पता है सबको ऐड कर दीजिए 1.2, 2.4, 1/2, देखिए 2, 4, 6, 2, 8, 2, 1, 3, 1, 4, 4.8 NA कर सकते हैं। अच्छा लेकिन अब बोर हो रहा होगा ना सर, इतना कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस बहुत ही ईजी है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं फिर।
इसी कैलकुलेशन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए 16 ग्राम C6H12O6 जिसकी वैल्यू कितनी आई है 0.2 मोल आई है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, मोल्स को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब देखिए हम एक नया तरीका बताएंगे आपको, वो तरीका ध्यान रखना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले आप समझ लीजिए कि वन मॉलिक्यूल में, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं पता नहीं, वन मॉलिक्यूल्स में बताइए कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है ना, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। लिख सकते हैं क्या कहा हमने, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है ना। अब हमें डिफाइन करना, बताइए वन मोल में, चलिए वन मोल में वन एन ए होता है क्योंकि मोल और एन ए एक ही चीज है, तो बताइए क्या हम कह सकते हैं कि वन मोल में 6 एन ए कार्बन होगा। समझिएगा क्यों, हम मोल को क्या बना रहे हैं, पार्टिकल्स बना रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई एन ए, तो देखिए 6 में मल्टीप्लाई बाई एन ए कर दिया हमने 6 एन ए, तो अब हमें बताइए कितने हाइड्रोजन होगा, हाँ 12 एन ए हाइड्रोजन हो जाएगा, वैसे ही 6 एन ए आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। हो गया ना काम आसान, अभी आंसर थोड़ी आया, आंसर भी आ जाएगा घबराइए नहीं। देखिए हमारा जो आंसर है वो किसने के लिए आना चाहिए, 0.2 मोल के लिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा 0.2 मोल आया ना, तो बस 0.2 का समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 0.2 वैल्यू आ जाएगी 1.2 एन ए कार्बन, 12 इंटू 0.2 2.4 एन ए हाइड्रोजन, फिर 6 है तो 1.2 एन ए ऑक्सीजन। देखिए आसान तो है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल आसानी से आ गया। अब ये आंसर पुराने वाले आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी सही है, हम यही तरीका हर बार यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आसान है और इससे मेरा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बिल्कुल कम चांसेस है, बस हमें करना क्या है, मोल से एक बार कैलकुलेट कर लिए बस फटाफट सारी वैल्यू रखते चले जाएंगे, दूसरी बात हो गई ना। तीसरी बात, अब हमसे कहेगा बताइए टोटल एटम्स कितने हुए, भाई ये क्या बात हुई, बहुत सिंपल सी बात है, देखिए क्या हुआ, टोटल एटम्स पूछ रहा है ना, तो देखिए 1.2 2.4 1.2 सबको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 4.8 एन ए आ जाएगा। एक और तरीका था ऐसे ही, जैसे हमने वन मॉलिक्यूल में इतने कार्बन इतने सारे दिखाए हैं, इतने में ही हम दिखा देते टोटल कितने हैं, 24 एटम्स हैं, हम यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें सारे एटम्स हैं, हम क्या लिखेंगे 24 एटम्स हैं, तो बताइए यहाँ पर कितना आता, 24 एन ए आता कि नहीं आता, आता ना, वैसे ही फिर 24 का मल्टीप्लाई 0.2 से करते हैं तो देखिए कितना आ जाता, 4.8 एन ए आ जाता, आसान है, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम यही तरीका यूज करेंगे, इतना कैलकुलेशन बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए नोट्स देखते हैं, नोट्स में कहाँ तक पहुँचे हम लोग, देखिए आंसर वगैरह सब निकाल के यहाँ दिया गया 1.2 2.4 एंड 1.2, ये तो था हमारा स्टैंडर्ड तरीका। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो अभी हमने बताया वही है, अनदर इम्पोर्टेंट मेथड, अभी थोड़ी देर के लिए आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड क्लोज होने वाला है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके सो अभी जो हमने दूसरा तरीका आपको बताया है यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार देख लीजिए, अनदर इम्पोर्टेंट मेथड, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, ये C है ना कार्बन एटम, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम, तो वैसे बताइए एक मोल में क्या होंगे, बस क्योंकि मोल से पार्टिकल्स बना रहे हैं तो Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 Na कार्बन एटम्स, 12 Na हाइड्रोजन एटम्स और 6 Na ऑक्सीजन एटम्स। ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए कितना मोल्स आया है, 0.2, तो बस लिख देंगे 0.2 मोल्स के लिए, सब में 0.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पर करके लिखा हुआ है वो पार्ट भी, आपको कुछ नहीं करना है बस देखना है पहले। देखिए वन मॉलिक्यूल फिर से वही सब कुछ, वन मोल के लिए सब कुछ वही, फिर 0.2 मोल के लिए
0.2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.2 आ गया, इसमें भी 0.2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2.4 आ गया, इसमें भी 1.2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.2 आ गया। अब हमसे पूछे बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, बहुत आसान है, सारे एटम्स को जोड़ दीजिए या फिर इसी के साथ साथ एक कॉलम और बना लेते हैं आप यहाँ पर। तो ये हम कोशिश करते हैं, हाँ बन जाएगा, चलिए कुछ तो काम आया। देखिए एक मॉलिक्यूल में यहीं पे हम लिख लेंगे कुल कितने एटम्स हैं, कितना 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यस 24 टोटल एटम्स।